तो आज कौन सी डेट है भाई प्रांशु? 30 जून 30 जून 2022। और योगेश चाचा रिटायर हो रहे हैं आज, हम उनके फंक्शन में जा रहे हैं टैगोर गार्डन। ये प्रांशु है, हेलो बोल भाई। वो कार्तिक हेलो। गाड़ी चला रहा है। और ये पुलकित भाई, हेलो। ये रघुवीर नगर भी यही है क्या? अच्छा, ओके। यही थी पहले पोस्टिंग, यही है सीधा सीधा। पहुंचने वाले हैं हम कम्युनिटी सेंटर। हैं चाचा कहाँ है? ब्राइडल रूम में। ब्राइडल रूम में। हेलो, कहाँ थोड़ा टचअप वगैरह हो रहा है ना ब्लॉग के लिए? कहाँ पे हो? नहीं है ब्राइडल रूम में। नहीं है, यही है। और साहब रुक जाओ, ये प्रक्रिया बाद में आएगी, 2 मिनट रुक जाओ। पहले पगड़ी सांपा बनवा देते, फिर करना। आ जाओ कौशिक जी, कौशिक जी स्वागत कर रहे हैं। आ जाओ गौर साहब,
हमारे यंग अधिकारी नरेश जी और तिलवाड़ जी पगड़ी से स्वागत करेंगे भाई योगेश जी का। क्या मुझे ऐसा लगता है कि नरेश जी जवान हो गए प्रमोशन के बाद? आप लोग बताइए जरा ताली बजाकर। आज योगेश जी को हमारे साथ सबसे सीनियर टीका होता देखते हुए उनको सम्माननीय बना रहे हैं और इनकी स्वागत के लिए हमने पगड़ी से स्वागत किया। और यूं तो हर सांस का एक आगाज होता है और आगाज का एक अंदाज होता है, आसमां पर हैं लाखों तारे, लेकिन आज योगेश कौशिक जी का नाम होता है हमारी तरफ से। और ये पर्सनैलिटी हमें हाथ लगी लेकिन बहुत बाद में लगी। ये जब इस जोन में आए तब हमें पता चला कि कौशिक जी यहाँ आ गए, तो हम इतने गदगद हुए कि कौशिक जी ने कहा कि जिसको मिलना है मेरे वार्ड में आ जाओ मिलो। और इन्होंने इनकी पर्सनैलिटी का एक और बता दूँ, इतने मिलनसार जितना मैं कम होना चाहिए। इनका योगदान हर काम में, हर जगह सलाह में, हर जगह इनके अंदर वो भावना उसको करती थी। हमें भी अब कोशिश थी, आज हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्टोर कीपर, सैलरी कीपर और पता नहीं क्या क्या ASI सरदानंद जी स्वागत कर रहे हैं। SS ऑफिस से रणबीर जी और इनके साथी स्वागत कर रहे हैं। रोहित खान ने स्वागत कर रहे हैं। हमारे और कोई साथी स्वागत करना चाहते हैं? अब मैं निवेदन करूंगा, कौशिक जी के मित्र आए हुए हैं अश्विनी जी, ये स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा इनके भतीजे और बेटे आए हुए हैं वो भी आशीर्वाद लें। आ जाओ। आ जाओ जल्दी।
चलो ना आप ही आ जाओ। तू जा पहले, तू आज मैं निवेदन करूंगा अनिल कुमार जी आराध्य जी आए स्वागत करें। अनिल कुमार जी आराध्य डिपो अनिल कुमार जी आरा डिपो स्वागत करेंगे योगेश जी का। Good day, all of you. My name is Karthikeya Kaushik. I am Mr. Yogesh Kaushik. First of all, I would like to thank all of you कि आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया एंड हमें यहाँ पे निमंत्रण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ताऊ जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, बट एक चीज़ जो मैंने ताऊ जी से हमेशा सीखी है कि
टाइम के साथ कैसे पंक्चुअल रहना है। मैं अभी यादाद समझता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ के डेली, चाहे वट एवर मेन द सर्कमस्टांसेस, चाहे तबीयत खराब है, चाहे कुछ है, सब अपना सुबह 4 बजे उठ के तैयार होके अपना काम पे निकलना, सारा टाइम मैनेज करना, फिर फैमिली मैनेज करना, काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी मोटिवेट करा था अभी आपने, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। बाकी आई से दिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर फैमिली मेम्बर्स दैट वी लव यू। आपकी लाइफ पे एक चैप्टर खत्म हुआ है, कोई बात नहीं, अब एक दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है जहाँ पर आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा एंड आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब हमारी है, आप आराम कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अंशुल भतीजे हैं कौशिक जी के, वो भी आए अपने विचार रखे। प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए योगेश कौशिक जी मेरे चाचा जी हैं और मैं इनको बचपन से ही देख रहा हूँ। बहुत ही कर्मकाठी आदमी हैं ये और इनका जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली की तरफ, ऑफिस की तरफ और किसी भी कार्य की तरफ, वो बहुत ही मेहनत से कार्य करते हैं। मेरे को इन्होंने ड्राइविंग सिखाई है बचपन से, मैं इनके साथ बहुत जगह घूमा हूँ तो हमारा एक बहुत खासा प्यार है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आज के इस पावन अवसर पर कि आदमी और मनुष्य जो है वो कभी भी रिटायर नहीं होता। सिर्फ ये है कि इंसान जब तक रिटायर नहीं होता जब तक वो इस धरती पर है। तो अब ये जो इनको टाइम मिला है, मैं आशा करता हूँ कि जो है ये अपना और जहाँ जहाँ पर नहीं गए घूमे हैं वहाँ नई नई जगहों पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे और हम इनको साथ में लेके चलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद, आपके अति उत्तम विचार हैं। देखिए पोती भी हिम्मत कर रही है कुछ आपसे कुछ शब्द सुनाने के लिए, ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे दादा, आज आप रिटायर हुए मुझे बहुत खुशी हुई। अब आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ समय मिलेगा। क्या नाम दिया आपने दादाजी को बताओ? अब मैं उपस्थित मंच पर नमस्कार करता हूं नरेश जी को और ये अपील करता हूं कि अपने मुखार बिंदु से दो शब्द प्रस्तुत करें। साथियों, ये बड़ा अच्छा शुभ अवसर है कि ऐसे टाइम में हर किसी को अपना हर समय अपना जैसा भी है टाइम आता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे भाई साहब हैं योगेश जी, हमारे साथ ही स्टार्टिंग से ही जॉब में लगे थे, साथ साथ ही हमने जॉब किया है और बड़े अच्छे जोली माइंड के दोस्तों में दोस्त भी हैं, भाई तो है ही बड़े। तो हम यही गुजारिश करते हैं बच्चों से भी, आप सबसे भी, फैमिली वालों से, हमारे भाई साहब का सेहत का ध्यान रखिए और अपना खुशहाल रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी। मेरी बात सुनो, हम तो रिटायर हो चुके, रूस जाएंगे जब भी तो बोलोगे, शुरू करो बोलना। हाँ राजेंद्र जी, ये विचार रखें। कौशिक साहब के बारे में सभी ने अपना अपना अनुभव शेयर किया और उनकी खूबियों का वर्णन किया, लेकिन थोड़ी सी मेरी नरेश जी से नाराजगी है, ये है, इसको नाराजगी ना समझें, इसको ये जो इन्होंने इनके बारे में आपको बताया है वो कुछ बहुत कम बताया है। इनका एक्सपीरियंस हमारे से कौशिक जी के साथ ज़्यादा व्यतीत हुआ है और ये इन्होंने विवरण कम दिया है। ये सर्वविदित है, नजफगढ़ से जो आए हैं वो जानते भी होंगे कि इनको नजफगढ़ की जोड़ी कहा जाता है, नरेश जी और योगेश जी। मैं इसीलिए शुरुआत में फार्म का जिक्र करा था, यहाँ उनका ठिकाना है,
अब ये खुद कह रहे हैं ये जोड़ी लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है तो आ जाए। अब मैं निवेदन करूंगा हरीश जी अपने विचार रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं सभी की तरफ से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर जी आपसे नहीं उस ईश्वर से, आप भी साथ ही हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने आगे के जीवन में कौशिक जी सदैव स्वस्थ रहें और परमात्मा इनकी लंबी उम्र करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मैं अपील कर रहा हूँ, कोई भी साथी हमारा विचार रखना चाहे तो रख सकता है। सभी को लंच करके जाना है, लंच तैयार है। और अब मैं निवेदन करूँगा उस विभूति से, उस ज्ञान से जो आज सेवा मुक्त होकर जा रहे हैं, वो अपने शब्द रखेंगे और आशीर्वाद देंगे अपने सभी साथियों को। योगेश कौशिक जी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज रिटायर हो रहा हूँ और अब परिवार के लिए मैं टाइम भी दे सकता हूँ। और मेरे बार बार मुझे ये याद रहेगा कि मेरे साथियों ने मिलकर जैसे मैंने इनके साथ समय गुजारा और मुझे बहुत प्यार मिला। और आज भी इन लोगों के सहयोग से इन लोगों ने मुझे जो आदर भाव दिया है और जो इन्होंने मुझे इज्जत दी है, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और कुछ मेरे साथी जो ना इधर हमारे एक जो ना साथी जो ना हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं सतीश शर्मा जी, मैंने उनको फ़ोन किया, वो भी आज हमारे बीच आए हैं, मेरी बात को सुन गए, उन्होंने मेरे लिए टाइम दिया। और एक हमारे मुकेश आहूजा जी हैं, वे भी आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर और मेरी इस पार्टी में शामिल हुए। अब पुनः दोबारा मैं अपने पूरे स्टाफ को, अपने अधिकारियों को, अपने ये चीफ साहब बैठे हैं और अपने पूरे इंस्पेक्टर, सैनिटी गार्ड, ASI या जितना भी स्टाफ है मेरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जैसे हमारे जो सरदाजी हैं जो बिल बढ़ाते हैं और हमारे कर्मचारियों के जो बिल बढ़ाते हैं, इनसे सबसे बहुत प्यार रहा। इनसे जो ना हमने जो काम कहा, इन लोगों ने मिलजुल कर हमारा साथ दिया और मैं अपने स्टाफ से बहुत खुश हूँ। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इज्जत दी है, धन्यवाद। पुनः अभिनंदन कौशिक जी, धन्यवाद आपका भी। अभी एक अपील आई है कि SS ऑफिस से सरदानंद जी और रणवीर जी, वो दोनों आए, ये अपना समझौता करके आए और विचार रखे अपने। रणवीर जी, सरदानंद जी, आना सीख जाओ और सर्व हो जाओ। लो सरदानंद जी, जो हमारे सभी सुपरवाइजरों के, ड्राइवर के, कुछ वार्ड के भी बिल वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे भंडारी भी है। सुनिए सरदानंद जी के विचार। एक छोटी सी मजाक की बात है कि हर जगह मुझे कह दोगे कि आप ही ले लो। अरे खाना दाना की बात है यार, क्या है? चलो हिम्मत करो, कुछ बोलना शुरू करो। आज की सभा में उपस्थित मेरे सीनियर और आज के समय के अनुसार योगेश कौशिक जी आज हमारे साथ से विदाई ले रहे हैं। इसको कौशिक साहब अपनी विदाई ना समझे और सारे हमारा स्टाफ आपके साथ है और जो भी हमारे लायक काम हो हम सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा हमारे कर्मठ इंस्पेक्टर रणधावा जी आज की सभा का समापन से पूर्व अपने सुविचार रखेंगे। रणधावा जी, नमस्कार। साथियों, धन्यवाद प्रधान जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी, सभी का अभिनंदन है। और साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, आज हमारे साथी योगेश कौशिक जी सुपरवाइजर स्टाफ में एक अनमोल हीरा है। आज निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
कम से कम शब्दों में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि ये अपने आप को रिटायर तो समझे ही ना, क्योंकि एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, तो एक पार्ट है ये जिंदगी का, पार्ट ऑफ जॉब की तरह। जैसे आपने पहले से नौकरी को लिया, इसी तरह से अब आप अपनी लाइफ को लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान किसी किसी फील्ड के लिए बने होते हैं और कुछ फील्ड के नहीं बने होते। तो हमारे योगेश जी एक बौद्धिक प्राणी हैं और ये इस जॉब के लिए नहीं बने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जीवन में कि हमें उनका भी पालन करना पड़ता है और अपने जीवन में उनको उतारना पड़ता है। तो हमारे योगेश कौशिक जी भी वही दोस्त हैं, वही प्राणी हैं, वही आत्मा हैं जो कि फील्ड के लिए नहीं थे, वो एक बौद्धिक प्राणी हैं। और लेकिन इन्होंने बाखूबी अपने इस जॉब को भी पूरा किया है। दोस्तों और साथियों, निगम की परंपराओं की तरह और हमारे पश्चिम क्षेत्र की परंपरा, जो हमारे साथी रिटायर होते हैं हर बार की तरह, इस बार भी हम अपने साथी को बड़े धूमधाम से सेवानिवृत्त कर रहे हैं और अग्रिम जीवन के लिए बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और आशा करते हैं प्रभु इनको लंबी आयु दे, स्वस्थ आयु दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रधान जी को निमंत्रण देता हूं कि मंच का आगे से संचालन करें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। समय बहुत बलवान होता है और इस समय को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा, मनोज शर्मा जी आए, आपने विचार रखे और भगवान इंद्र ने देखे हमारा आप तो सहयोग दे रहे, सबसे बड़ा सहयोग किसने दिया आज? ऊपर वाले ने, भगवान इंद्र ने मौसम कितना बढ़िया बना दिया। एक बार ताली बजाइए इस मौसम के लिए, और हमारा मौसम तो योगेश जी है। तो मैं निवेदन करूंगा, मनोज शर्मा जी अपने विचार रखें। सभा में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज मेरे को ऐसी फीलिंग हो ही नहीं रही कि भाई साहब आज जो है रिटायर हो रहे हैं। फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे ये घोड़ी तैयार है और बारात इनके लिए चलने के लिए तैयार है। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ महसूस करी, इनके अंदर एक जोकर छुपा हुआ है, कभी मैच्योर नहीं देखा इनको। हर फील्ड में परेशानी तो जिंदगी में इन्होंने परेशानी तो दर्द का रखा, अपने साथ जोड़ा ही नहीं। और भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा इनका जो जीवन स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, और जितना जीवन बचा हुआ है वो बड़ी मुस्तैदी से अपना जीवन में निकले। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा मुकेश वार्ड नंबर 15 से, जो इंस्पेक्टर का भी काम देख रहे हैं, अपने विचार रखेंगे। मुकेश जी धन्यवाद। प्रभु जी योगेश कौशिक जी आज जो सेवानिवृत्ति का दिन है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी दीर्घायु हो, अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो इनकी पूरी टीम, जगन खत्री जी, मोहनदास जी और यादव साहब, कई लोग भी इकट्ठा बैठ के चाय पीते थे और अपना काम सुचारू रूप से करते थे। मुझे इनको देख के ना उसी टाइम महसूस होता था भगवान नौकरी दे दे तो ऐसी थी। तो आज जब मैं ASI हूँ और SI का चार्ज भी है, मुझे खुद में खुद महसूस होता है कि जो इन्होंने अपने टाइम पे नौकरी में काम किया वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीर्घायु हमें। मुझे तो खास तौर पे उस टाइम का, उन बचपन का टाइम याद आ गया जब ये पश्चिमपुरी चौक पर बैठते थे और वहाँ पर चाय का आनंद लेते थे, तो तब से मेरा इनके साथ लगा हुआ है। और पश्चिमपुरी में एक हमारे चाची के पकौड़े बड़ा ज़्यादा मशहूर थे, उसका भी आनंद ये लेते थे। कई बार मैं इनके पास बैठ जाता था, मैं कहता था आपकी नौकरी बहुत अच्छी है,
तो यादव जी ने एक दिन कह दिया, कह रहा बेटा एक दिन तो ऐसा ही बनेगा ही बनेगा। पता नहीं वो मुझे याद आ गया अचानक से, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और साथ के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ योगेश कौशिक जी का स्वास्थ्य और घर परिवार से समृद्धि बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आज का कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में है, इसलिए मैं क्योंकि कौशिक जी से पहले रिटायर हुआ हूँ तो एक नए सलाह देना चाहता हूँ, इजाजत है कौशिक जी? परिवार में सभी के कुछ ना कुछ होता है भाई, अच्छा भी बुरा भी सुख भी दुख भी, हिम्मत नहीं हारना, एक बार गांठ मान लेना, बच्चों से बहू से जो भी कुछ लेना है शाम को 9 बजे पहले लेंगे। 9 बजे बाद ये नहीं कहोगे कि बेटा फलानी चीज दे दो, आई ड्रॉप दे दो, दवाई दे दो, बिल्कुल नहीं। इसी तरह सुबह 6 बजे के बाद पहला फार्मूला ही अपना लेंगे, आधे 50% आपका जीवन सुखी हो गया। उसके बाद आधा 50% सुबह चाय आई, गलती से बहू ने चीनी नहीं डाली तो आप फेंक के नहीं मारोगे, ये कहोगे बेटा कोई बात नहीं आज कर ले। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी गृहस्थ जीवन खराब हो ही नहीं सकता। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? तो आप लोग तो घर जवान हो, ये हमारे हाथ में है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 2 साल हो गए, मैं एक और सत्यापन करना चाहता हूं। राजेंद्र जी बैठे, मैं बैठा, सुबह की चाय हम खुद बनाकर पीते हैं। और यही सलाह मैं आपको देता हूं, रसोई में फ्रिज पर आना जाना पड़ा रहेगा तो बहुत ठीक रहोगे, नहीं तो बनिए की दुकान पर, इस दुकान को चालू रखना, यही मेरी आपसे अपील। धन्यवाद। और कोई साथी अपना विचार रखना चाहे? देखिए घर में बहु बच्चे खुश है तो माल खाने को अपना बढ़िया मिल जाएगा, तो कभी भी भोजन में नुक्स नहीं निकालेंगे तो आपको फायदा है। औरों को भी सलाह दे रहा हूं मैं, जो पड़ोस हमारे कोई भी साथी अपने विचार रखना चाहते हैं तो ठीक है, हमारे यहाँ पर हम निगम कर्मचारी हैं तो एक बार वो जयकारा लगा दीजिए, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। अब लंच करिए, आप सभी को लंच करके ही जाना है, लंच तैयार है। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने आज ये किया और मैं चाहूँगा कि आप जियो हजारों साल, साल के दिनों कई हजार।